हम दूसरे म्यूजियम से भी बाहर आ गए, लेकिन हम ऊपर नहीं गए क्योंकि मैं सोचा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफी है, कोई बाहर आ गए। अब तो अब कहाँ पर चलना है? काले लोग का ले लो, काले लोग का बोलो कुछ। हाँ अच्छा, प्रवेश और इंटर एग्जिट तभी तो। और जा जब दे फोन आ रहा है। अगर धूप होती बाहर ही तो, अरे अब वही जमा करवा लिया था, इसी म्यूजियम में घुमा रहे हैं। हाँ अब इतने चल रहे, दो म्यूजियम हो गया, ये तो नरेंद्र मोदी का है। क्या करें, चल रहे हैं, यहाँ से धूप निकल आया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए कुछ कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, कुछ नोट्स हैं, तो मैं बता दूँ। देखिए ये सुभाष चंद्र बोस हैं, आज़ाद हिंद फौज के तगमे और पदक जो थे, वो पदक थे, तगमे और पदक जो आज़ाद हिंद फौज को मिले थे। आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्राएँ, 100 रुपये का, 100 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट, ये देखिए 100 रुपये का था और ये 10 रुपये की मीटर छापा ना, बिल्कुल इतने 100 रुपये 10 रुपये तो नहीं कर रहा। कंधे पर जो बैज लगते थे ना, वो कंधे पर जो बैज लगाने के लिए होता है, वो कंधे पर बैज। ये चेयर्स हैं नेताजी की, कुछ ये सुभाष चंद्र बोस जो बैठे हैं उस पर बैठा करते थे सुभाष चंद्र। ये म्यूज़ियम जो सुभाष चंद्र बोस का म्यूज़ियम था, अलग अलग नामों से, अलग अलग नामों से म्यूजियम बने हुए हैं। आइए इधर है प्रदर्शनकारी, तो ये म्यूज़ियम जो बना हुआ है सुभाष चंद्र बोस पे बना हुआ है। अब इसमें हम चेक बुक्स थी, कौन सी आज़ाद हिंद फौज की जो चेक बुक्स थी, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की बैज है, और ये कार का झंडा, फ्लैग ऑफ कार, बैज, पदक, डायरी। Thank you.
ये सुभाष चंद्र बोस है, ये सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ के साथ हैं, ये इसके ये पिता हैं, पिता हैं सुभाष चंद्र बोस ही लड़के के। फोन जब सुभाष चंद्र बोस विद्यार्थी थे और इसके जहाँ जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, और ये इसका विद्यालय था जहाँ पर इन्हें पढ़ा था, जन्म पत्री थी ये सुभाष चंद्र बोस की राइट साइड, और डायरी थी उसके आंस कुछ भाग है डायरी का जो लिखता था वो टोटल इंग्लिश। म्यूजियम से भी बाहर जाते हुए और हम सबसे ऊपर नहीं गए, अब थके हुए हैं तो भाई साहब ज़्यादा चलने में भी थोड़ा अच्छा ही लगता है, अब थके हुए हैं तो वरना हम ऊपर ऊपर भी जाते हैं। एक बार बताऊँ, जब घर से चले थे ना तो अब क्या बताऊँ, चलो बाद में बताता हूँ, अभी नहीं चलो अभी बताता हूँ, रुक। हम जाएंगे यहाँ से जाएंगे CVR जाएंगे, CVR जामा मस्जिद जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जामा मस्जिद भी चल लेते हैं, टाइम वहाँ पर हो जाएगा, मीना बाज़ार घूम लेंगे। कह रहे भाई साहब घूम लिया है, हम सोच रहे कि इधर से चल के ना इतना दूर तक है, मैं सोचता हूँ यहीं बैठ जाऊँ, तुम कहो बैठ जाऊँ, भी नहीं बैठता। अब सोचते हैं भाई, एक बार बताऊँ क्यों ना भूख लग रही है, और एक आदमी ना यहाँ पर रह सकता है आराम से, सो सकता है आराम से, सो जाओ भाई, बताओ कितना अच्छा अच्छा सीन, ये सब फिल्मों में रहता है। नहीं आगे होगा आगे, जामा मस्जिद चल रहे हैं, वहीं बैठेंगे आराम से, चल रहे हैं आ जाओ। अब ऐसे घूम के इधर से कहीं से चलते हैं, काम चलाओ हो जाए, यहाँ पर कोई है नहीं तो बंद ही होगा, बंद है। चलो यार
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जामा मस्जिद हो जाएंगे और जामा मस्जिद से हम बैठ जाएंगे सीधे अपने नोली चलेंगे घर पे। और मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छी वीडियो बनी है, इस बार मौका मिला था इस वाली बन गई, वरना मैं कहीं जाया नहीं करता हूँ। वीडियो तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लाइक आएंगे, सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, देखो जो भी वीडियो देख के जाए तो कम से कम एक लाइक तो कर ही दें। मुझे अच्छा लगता है, कम से कम 10 रुपये लाइक आते हैं, 5 लाइक आते हैं तो अच्छा लगता है ना। थक तो गया हूँ मैं, लेकिन सामान न होने की वजह से मेरे पास, तो चलिए हाँ बस यही है आखिरी लास्ट यही है, और इधर ही घूम लो जितना घूमना है बस। चलिए यहाँ पर खड़े हो जाइए आप लोग। ये चलो चलो आगे।
ये बैक साइड ऑफ लाल किला रेड फोर्ट। तो भाई हम आराम करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम थक गए हैं चलते चलते। एक तो चांदनी चौक का जो डायरेक्ट रास्ता था उसे बंद कर दिया गया था, तो हमें बहुत दूर तक चलना पड़ा, बारिश भी हो रही थी, थक गए हैं।